हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गर्ड्स दिस इज मी आकाश स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे स्फेरिकल मिरर्स हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी हमने जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है पोल अपेटचर ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस की बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है जब भी हमारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होंगी और वो रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर आके मीट करती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि हमने ये देखा कि जितनी भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या डिस्कस करी थी प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है यानी कि जब भी ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर आके मीट करती हैं कॉमन पॉइंट पर आके मीट करती हैं उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से अब बात आती है फोकल लेंथ की तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ क्या है फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से और स्टूडेंट्स ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है ठीक है स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो स्टूडेंट्स अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर हमने कैसे ड्रा करा था हमने इस टाइप से देखा था कॉनकेव मिरर ये हमारा कॉन्केव मिरर है इसके जो पीछे का पोर्शन है वो हमने देखा कि नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ये उठा हुआ पोर्शन नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है यानी कि यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा रिफ्लेक्शन हमें यहाँ अंदर वाली साइड मिलता है और फिर हमने ये भी देखा था ये जो कॉन्केव मिरर है ये हम किसका पार्ट बता रहे हैं कॉन्के मिरर क्या है एक पार्ट है मिरर का कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आर अ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर तो ये स्पेरिकल मिरर हमने बना दिया फिर हमने देखा कि स्फेयर का सेंटर होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं और इस सी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है स्टूडेंट्स फिर इस कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम किस से डिनोट करते हैं पी से होल ठीक है स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस करा था अब जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये वो लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस और ये डिस्कस करा था हमने एम एम डैश ये क्या होता है अपेडचर तो स्टूडेंट्स एम एम डैश अपे का मतलब यह है कि इतने पोर्शन में हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा इतने पोर्शन में हो पैरेलल पो तो होंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर एक कॉमन पॉइंट पर आके मीट करेंगे उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस जैसे ये वाली लाइन हमारी ये वाली लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल है ठीक है स्टूडेंट्स? ये वाली भी देखिए ये वाली भी हमारी लाइट रे इस प्रिंसिपल तोन के बाद में ये कॉमन पॉइंट पर आके मीट करती है ये रिफ्लेक्शन हो गया इनका इस लाइट रे का ऐसे ही इस वाली लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा ये रिफ्लेक्शन हो गया तो ये कॉमन पॉइंट पर आके मीट करेंगे और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस क्या बोलते हैं फोकस और इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से अब देखिए स्टूडेंट्स जितनी भी लाइट रेज है वो इस कॉमन पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं जिसे हम प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं तो जब भी लाइट रेज एक पॉइंट पर आके मीट करते हैं कॉमन पॉइंट पर आके मीट करते हैं तो ऐसी बीम को हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ठीक है स्टूडेंट्स ऐसी बीम को हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग बीम और हम हम यहाँ पर किस मिरर की बात कर रहे हैं हम कॉन्के मिरर की बात कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स किस मिरर की बात कर रहे हैं कॉन्के मिरर की बात करें तो कॉन्के मिरर के केस में हमने ये देखा जितनी भी लाइट रेज है वो इस पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट पर इस पॉइंट पर आके मीट कर रही है एरो देखिए उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस तो इस केस में कॉन्के मिरर को दूसरे नाम से बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर ठीक है स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि जितनी भी लाइट रेज हैं जब एक पॉइंट पर आके मीट करती हैं तो ऐसी बीम को हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम तो हमने देखा कॉन्के के केस में जितनी भी लाइट रेज हैं वो पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ठीक है स्टूडेंट्स तो इसीलिए हम कॉन्के मिरर को दूसरे नाम से बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर याद रखना है स्टूडेंट्स कॉन्के मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर अब बात आती है फोकल लेंथ की ठीक है स्टूडेंट्स अगर मैं इस फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ा है कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस यानी कि अगर मैं ये बात करूं ये हमारा फोकस और ये हमारा हो गया पोल ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया पोल तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं ऊपर तक तो. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से यानी कि स्मॉल एफ क्या फोकल लेंथ ठीक है स्टूडेंट्स और प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था ये जो सी से लेके डिस्टेंस है सी से लेके और पी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है स्टूडेंट्स ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अगर मैं इस फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकस कहाँ पर फॉर्म हो रहा है फोकस हमारा हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में तो फोकल लेंथ लेंथ क्या है length, है फोकल वो डिस्टेंस जो फोकस और पोल के बीच में है। तो आप देखिए जो ये फोकल लेंथ है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है हाफ है ठीक है स्टूडेंट्स यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक है सी और पी से लेक लेकर जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ क्या है एफ और पी से लेकर जो डिस्टेंस है यानी कि एफ क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट फॉर्म हो रहा है प्रिंसिपल फोकस हुआ है तो ये जो फोकल लेंथ है वो हाफ हुई रेडियस ऑफ कर्वेचर की ठीक है स्टूडेंट्स तो इसीलिए जो ये फोकल लेंथ है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की यानी कि आर अपॉन टू यानी कि मैं ये लिख सकता हूं फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास में यहां से फोकल लेंथ आई हाफ ऑफ रेडियस ऑफ करविच ऐसे ही स्टूडेंट्स हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं नॉट लेंस कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होएगा वो देखते हैं तो स्टूडेंट्स अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा था कुछ इस टाइप से बनता है ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या है ये भी एक स्पेयर का पार्ट है हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्के मिरर आर पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर और स्पेयर तो ये वो स्फेयर हो गया अब इसकी बात करूं तो ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है यानी कि अंदर वाली साइड कॉन्वेक्स मिरर के केस में नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है रिफ्लेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा ये बाहर की तरफ यह हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर ठीक है स्टूडेंट्स

और जो लाइन ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस यानी कि यह हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है स्टूडेंट्स अब बात आती है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेल है ये हमारी लाइट रेज है अगर मैं इन लाइट रेज की बात करूं तो ये हमारी लाइट रेज है किसके पैरल ये इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल है ठीक है स्टूडेंट्स तो हमने क्या पढ़ा है अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल है तो रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर आके मीट करती है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस तो कॉन्वेक्स के केस में जो रिफ्लेक्शन होएगा वो इस टाइप से होएगा ठीक है स्टूडेंट्स इस टाइप से होएगा यानी कि ये लाइट रेज इस टाइप से बाहर निकल जाएंगी ये हमारा रिफ्लेक्शन हुआ है इस टाइप से ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं ये जो लाइट रेज है वो आगे जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मीट करेंगे ये हम इमेजिनेशन करते हैं और जहां पर ये मीट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ठीक है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में है ये फोकस जो है फोकस पॉइंट जो है वो इमेजिनरी है वर्चुअल है इस केस में जो हमारा फोकस है वो इमेजिनरी है इमेजिन कर रहे हैं एक्चुअल में मीट नहीं कर रही एक्चुअल में किस केस में कर रही थी कॉन्के मिरर के केस में लेकिन इस केस में हमारी इमेजिनरी है इमेजिनरी है फोकस यानी कि इमेजिनरी की बात करूं ये वर्चुअल है ठीक है स्टूडेंट्स एक्चुअली मीट हमारे किस केस में करी थी एक्चुअली मीट हमारी मिरर के केस में करी थी। तो हमने देखा ये light rays आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी उस common point में मीट करेंगी, जिसे हम कहते हैं फोकस और principal focus center of curvature और पोल के बीच में फॉर्म होएगा। तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, focal length की बात करूं तो फोकल लेंथ आएगी स्टूडेंट्स फोकल लेंथ क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस बनाऊं तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसे हम किससे डिनोट कर, कर रहे हैं उसे डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल एफ से अब मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होती है ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से मैंने देखा कि फोकल लेंथ जो है जो फोकल लेंथ है वो हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है हाफ है ठीक है स्टूडेंट्स तो मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय टू ठीक है स्टूडेंट्स और मैं ये भी लिख सकता हूँ स्मॉल एफ इक्वल्स टू आर टू अब हमने देखा कौके मिरर को तो हम कन्वर्जिंग मिरर बुलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर को क्या बुलाएंगे तो स्टूडेंट्स यहां देखिए आप ये जितनी भी लाइट रेज है ये जितनी भी लाइट रेज है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन हमने देखा कि एक पॉइंट पर आके मीट करेंगे लेकिन ये देखिए अगर हम देखें इसे ध्यान से तो ये एक पॉइंट से बाहर निकल रही है देखिए एक पॉइंट से बाहर निकल रही है तो जब भी लाइट रेज एक पॉइंट से बाहर निकलती है एमर्ज होती है एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकलेंगी ये देखिए ये लाइट रेज पॉइंट से बाहर निकल रही है तो ऐसी बीम को हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम क्या कहते हैं डाइवर्जिंग इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर क्या बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर ठीक है स्टूडेंट्स अब अगर मैं कॉन्केव की बात करूं तो कॉन्केव के केस में जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस है वो एक्चुअल है एक्चुअल की बात करें रियल है लेकिन इस केस में बात करूं कॉन्वेक्स के केस में बात करूं फोकस पॉइंट की या प्रिंसिपल फोकस की वो इमेजिनरी है ठीक है स्टूडेंट्स और कॉन्केव के केस में ये जो फोकस था वो कहां बन रहा था हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर यानी कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा था लेकिन अगर इसकी बात करूं ये हमारा मिरर है तो कहां बन रहा है राइट हैंड साइड में तो मैं लिख सकता हूं कहां पर बन रहा है ये फोकस ये फोकस कहां बन रहा है कॉन्वेक्स के केस में राइट right हैंड साइड ऑफ मिरर ठीक है स्टूडेंट्स तो ये बात थी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की कि क्या प्रिंसिपल फोकस होता है और क्या फोकल लेंथ होती है तो प्रिंसिपल फोकस क्या है जब लाइट रेज पैरल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एक कॉमन पॉइंट पर आके मीट करेंगे उस कॉमन पॉइंट को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ठीक है स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ट हो रही है किस केस में कन्वर्ज हो रही है किस केस में डाइवर्ट हो रही है और ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुएगा और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ और ये देखा हमने फोकल लेंथ किसकी हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन और रूल्स पढ़ेंगे हम कॉन्के मिरर के लिए तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी ध्यान रखिए और वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बना रह करिए क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होएगा अगर छोटा सा भी टॉपिक मिस हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और भी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी अच्छे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा ध्यान रखिए अपना टेक केयर बाय